नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। क्या किस्मत पाई है रोटियों में भी निवाला बनकर, रईसों ने आधी फेंक दी, गरीब ने आधी में जिंदगी गुजार दी। सहम उठते हैं कच्चे मकान पानी के खौफ से, महलों की आरजुए है कि बरसात तेज हो। जी हाँ, सागर जिले में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। जी हाँ, शासन प्रशासन की अनदेखी की ये तस्वीर देखकर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल सागर के बमोरीबी का गांव से आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। इस भीषण कोरोना संकट काल में एक पल को भी अगर लाइट चली जाए तो हम और आप बेचैन हो जाते हैं। वहीं इस गांव के, इस वार्ड के निवासी पिछले 8 से 10 दिनों से जिंदगी अंधेरे में गुजारने को मजबूर हैं। आज़ादी के 70 वर्ष बीत जाने के बाद भी अगर एक गांव में इस तरीके से अंधेरा कायम है तो लानत है यहां के सरपंच से लेकर जनप्रतिनिधियों को, जिन्हें बार बार शिकायत करने पर भी अंधेरा छटता दिख नहीं रहा है। देखिए जरा ये तस्वीर, फिर बात करते हैं। यहाँ बिजली नहीं है, ये कब से हो रहा है? 8 दिन से नहीं है। आप लोगों ने शिकायत नहीं की है कुछ? शिकायत कीजिए, बे नहीं लगा रहा है, सुन नहीं रहा है, हम और आपकी बात ही नहीं मान रहा है। ऐसा एक बार हो रहा है कि बार बार हुआ है? बार बार, 3 साल हो गए। अच्छा, 3 साल हो गए। ये कौन सा वार्ड है? एक नंबर और दो नंबर। बाकी सारे गांव की और? पूरे सारे गांव की लाइट है, जमारों की नन्या, जमार ची था थे बड़े आदमी, हरिजन मोहल्ला की नन्या, चमार ची था थे उनको। बारे डरे मोड़ी मोड़ा बीमार आदमी, बीमार लोग लोग बीमार, बारे ऐसे मोड़ी मोड़ा अच्छा, कितने दिन से लाइट नहीं है यहाँ? 3 साल से। अभी साल से परेशानी है, डीपी उठा के ले गए, डीपी नहीं रख रहा है। 8 दिन हो गए, हमारे बच्चा बच्ची पूरे बीमार है, लोगों लोगों से बीमार है, बुखार चल रहा है, फिर होना जो पर हो बाल बच्ची को हमारे बच्चा ठीक हो रहा है। जिस तैयार वो दूसरी ठंडी बन जाए, वो की कस्ता है, वो दिखा ठंडी की चप्पलों के बिना। अच्छा, चप्पल मार है ठंडी की? हाँ, ये सब राशिंग की, ये सब राशिंग की ठंडी बन जाए। आप लोगों ने इस बात की शिकायत नहीं की कि हमारे यहाँ वार्ड की नहीं है, बाकी सारे समाज की वहाँ पे है? सुना ठगी वो फिर दी शिकायत करी, शिकायत कितने बार की? सरपंच के घर गए थे, 100 किलो गाय कहती की हमें बिल बताओ, हम कहे तुम्हारी गाँव में पेड़ ले चौथ दो बया। अब आप लोग क्या चाहे समस्या को लेकर? हम लोग यही चाह रहे कि हमारे यहाँ लाइट आ जाए पूरी रीति से, कई बार शिकायत करी, शिकायत नहीं सुनाया तो हमारा उद्देश्य है कि लाइट आ जाए और जल्दी जल्दी नया फार्मर बिल भर रहे हैं। कोरोना जो करो है, बच्चों को अंदर नहीं जा पा रहे हैं, लॉकडाउन के कोरोना जाए अंदर कहाँ जा पा रहे, बीमारी पड़ी है, अब बाहर घूमे ना वो क्या करे, लाइट नहीं है, कहाँ जाए पानी पीवे जा बताओ। नल सुधार में क्या सुन, अलग से नहीं आने, नल के डरे बिगड़े। हमारा कहना ये है कि अलग से हम लोगों का ट्रांसफार्मर नया रखा जाए, जो कि ये पुराना डीपी हमारे वार्ड नंबर 1 की और 2 की हमारे यहाँ रखी जाए, नई डीपी रखी जाए, नई डीपी चाहिए हमको, क्योंकि ये बार बार बढ़ जाती है, बार बार लाइट की परेशानी होती है, ये दिक्कत ना हो। हमारा अधिकारी लोगों से जहाँ भी ये वीडियो पहुँचा जाए पूरी लाइट भेजी जाए, बीमारी। तो देखा आपने किस तरह से गांव वालों ने मुख्यमंत्री से लेकर पीएम तक पर किस तरीके से गंभीर आरोप लगाए हैं। बहरहाल सागर टाइम्स न्यूज शासन प्रशासन से ये अपील करता है, ये गुजारिश करता है कि इस गांव की गुहार सुनी जाए, नहीं तो इन गांव वासियों का गुस्सा कहीं अगले चुनाव में
EVM पर ना निकले। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए सागर टाइम्स न्यूज।